जय उत्तराखंड। वैसे मोटे में आपका हार्दिक स्वागत है। खबर दिल्ली से 8 जनवरी 2020 से गुलबर्ग से लापता भारतीय सैनिक राजेंद्र सिंह नेगी, जो मूलतः चमोली उत्तराखंड के थे, उन्हें वापस लाने की गुहार लगाई उत्तराखंड समाज ने और एकजुट हुआ, जिसमें सभी समुदाय के लोग दिल्ली के जनतंत्र पर। यह कार्यक्रम एक्स सर्विसमैन सोसाइटी एंड हेल्पलाइन ऑर्गेनाइजेशन द्वारा आयोजित किया गया और सभी समाज के लोगों ने इसमें हिस्सा लिया। और यह भी कहा गया कि एक हफ्ते में यदि उनकी खोजबीन नहीं की जाती तो उससे बड़ा धरना दिया जा सकता है। आइए देखिए हमारी यह है। हम उनके परिवार को किस रूप में मदद कर सकते हैं, इस बात पर भी हम सब लोगों को विचार करना चाहिए, क्योंकि राजेंद्र सिंह जी की जो स्मृति है वह इस समय देहरादून के अस्पताल में, जो मुझे सूत्रों से पता लगा या अखबारों से पता लगा, वह ये पता लगा कि वह इस समय मिलिट्री हॉस्पिटल। और मैं सरकार से मांग करता हूँ कि ये जो अभी तक का आपने जो खोज खबर की जो कार्रवाई की है वो जो है नाकामी रही है, वो आपका जो है नियम ठीक नहीं है। इसलिए आपसे मेरी प्रार्थना है कि सब लोग मिलकर करके उस राजेंद्र कुमार नेगी को जल्द से जल्द घूमकर को वापस लाए। वतन पर मर मिटने वाले को वापस लाओ, वतन पर मर मिटने वाले को वापस लाओ, वापस लाओ, देश के योद्धा को वापस लाओ, वापस लाओ, देश के सैनिक को वापस लाओ। अगर संज्ञान लेते इस तरह से जिस तरह अभिनंदन जी को वापस लाने के लिए त्वरित गति से कार्य प्रणाली को अपनाया गया, ऐसे ही हमारे इस भाई के लिए भी किया जाता तो आज हमें गौरव महसूस होता। तो मैं अरे सैनिक को वापस लाओ, होश में आओ, मोदी सरकार होश में आओ, रक्षा मंत्री होश में आओ, योगी जिसका लाल, जिसका बेटा और जिसका पति आज मिसिंग है, हमारे परिवार का यदि एक सदस्य अगर एक नाइट भी अगर ना आए किसी कारणवश बिना इंटीमेशन के, हम लोगों को कितनी चिंता सताती है। लेकिन आज एक सैनिक जो देश की सरहद पर खड़ा हुआ था और वहां से पिछले लगभग 1.5 महीने से 38 दिन से लापता है, लेकिन सैनिक के लिए ये इसमें कोई राजनीति नहीं होती है। और इस आंदोलन को शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, राजेंद्र सिंह को वापस लाओ, वापस लाओ, वापस लाओ, वीर सैनिक राजेंद्र सिंह को वापस लाओ, वापस लाओ, वापस लाओ, वीर सैनिक वापस लाओ, वापस लाओ, वापस लाओ, वीर सैनिक को वापस लाओ, वापस लाओ, वापस लाओ, राजेंद्र सिंह को वापस लाओ, वापस लाओ, वापस लाओ, इंकलाब जिंदा हो जाओ। मजदूर के बेटे होते हैं, किसी धन्ना सेठ के बेटे नहीं होते, किसी फैक्ट्री मालिक के बेटे नहीं होते हैं, किसी जो है नेता के बेटे नहीं होते। बड़े शर्म की बात है कि एक सैनिक, एक जब एक ऑफिसर जो एक एयरफोर्स का था ऑफिसर अभिनंदन, वो पिछले 1.5 महीने से लापता है। तो हमारी यही गुजारिश है सरकारों से, उत्तराखंड की सरकार हो या केंद्र की सरकार हो, कि जल्द से जल्द इसमें कार्रवाई की जाए, क्योंकि उनके में जिसके वीर सैनिकों का एक उदाहरण पेश किया जाता है देश की आजादी से लेकर के और आज तक, जिस उत्तराखंड के दो आर्मी चीफ नरेंद्र सिंह नेगी को वापस लाओ, वापस लाओ, वापस लाओ, हवलदार राजेंद्र सिंह नेगी को वापस लाओ, देश के सैनिक को वापस लाओ। सुरक्षित हो और धन्यवाद देते हैं एक्स सैनिकों का जो ये मोर्चा है उसने एक अच्छी पहल की है। हाँ, संख्या कोई कम है पर जैसे चारों जो लापता है उसके बारे में संज्ञान ले और उसे जल्दी से जल्दी ढूंढने की कोशिश करे, एटलीस्ट ये तो पता चले कि वो किस हाल में है। और साथियों, हवलदार मैं भी एक सैनिक का बेटा हूँ, सैनिक परिवार से हूँ,
और काफी हमने भी फेसबुक पे या सोशल मीडिया पे दिखा है हवलदार राजेंद्र सिंह नेगी जी के संबंध में, जिस प्रकार से हमारे राजेंद्र सिंह नेगी जो बैटनर हमारे जो सैनिक हैं, अब क्या वो पाकिस्तान में है या कहाँ है? मोदी सरकार, मोदी सरकार, इस लगा हमने देखा कि सरकार 38 दिन तक कुछ नहीं कर पाई, इसलिए हमने एक हफ्ते का अल्टीमेटम नोटिस दे दिया सरकार को कि अगर आप वोट के नहीं लाएंगे तो हम वोट लेंगे। चुनाव हो गए, जीत गए, बैठ गए, अभी गरीब सिपाही के लिए ध्वनि नहीं या फिर उनकी नीति तो हम हमारे साथ मौजूद हैं और आज हम उनसे जानते हैं कि जो हमारे सेना के जो सैनिक हैं राजेंद्र नेगी जी, उनके बारे में जानकारी लेते हैं कि जो आज यहाँ पर शांति मार्च या आंदोलन किया गया उसके बारे में हम थोड़ी जानकारी लेते हैं। अभी हम सब लोगों ने कष्ट किया है का पता नहीं है और हम सब लोगों को इस बात की बड़ी चिंता है कि अभी अंतिम दिन होने के बाद न सरकार और न सेना ने अभी कोई पता किया है और वो अभी तक की जानकारी नहीं मिल पाई कि वो अभी और हम सब लोगों ने आज जो फोकस यहाँ पर किया है वो सरकार को इस बात से लिए मांग की गई है कि वो हमारे राजेंद्र और हम सब लोग अभी जो ज्ञापन भी दिया है उसमें भी हमने बड़ा कहा है कि केंद्र सरकार बहुत गंभीरता से इस बात को ले और हमारे साथ सबसे अफसोसजनक बात यह है कि यहाँ मोदी सरकार, मोदी सरकार, मोदी सरकार, सैनिक को नेगी को वापस लाओ, सरकार होश में आओ कि हमारा सैनिक गायब है, हमारा देश का सैनिक गायब है, उसके परिवार के लिए यहाँ पे खड़े हैं। उन और लोगों की तरह कहते हैं 30 लाख दिल्ली में हम लोग हैं और लोगों ने 10 बहाने चुने, मेरा घर का ये काम है, मेरा फलाना काम है, जिम का काम है, तो मैं तुम सबको एक बात सुनाऊं, सरकार होश में आओ, मोदी सरकार होश में आओ। पहाड़ से जुड़ी खबरों को वॉइस ऑफ माउंटेन्स आपके लिए लगातार ला रहा है। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, घंटी बजाइए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और लाइक जरूर कीजिए। देखते रहिए वॉइस ऑफ माउंटेन्स।